अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो सब? ठीक ठाक हैं दोस्तों? आपका भाई आ गया छत के ऊपर फिर से। यार ये देखिए, ये पता नहीं कौन सा बर्ड है ब्लैक कलर का, ये कौवा ना समझना, कौवा नहीं है। कहाँ गया जी? ये उड़ के गया। अच्छा ये दो हैं। ये यार पता नहीं कौन से बर्ड थे, बड़े प्यारे लगते हैं ब्लैक कलर के, अक्सर ही हमारे यहाँ आके बैठ जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इनको एक बार पकड़े, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर। तो यार आज ना मैं अपने बर्ड्स के लिए लेके आया हूँ, ये देखें जी, सॉरी अपने डव के लिए। डव आपको पता है दाना खाती है उस छोटी सी कोली में, तो खाती कम है गिराती ज़्यादा। देखा कैसे उसने दाने से भरा हुआ अपना केज। इसको तो एक हफ्ता दाना ना भी दें तो गुजारा होता है, क्योंकि इतना इनने अपने अंदर अपने केज के अंदर स्टोर कर लिया गिरा गिरा के, कि एक हफ्ता इनका निकल सकता है। तो हमारे रैबिट देखें जी आ गए गोभी की तरफ, ये खाएं गोभी। हम खोलते हैं मुर्गियाँ, मुर्गियों के लिए चाबी किधर है जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये बड़ा हेल्दी हेल्दी लग रहा है, चले अच्छी बात है। ये भी ठीक लग रही है आज सेहत इसकी, और मानो हमारी जो वो इनकी नस्बत ज़रा कमज़ोर है, ये दोनों से ही हेल्दी लग रही है। चले यार हम पहले मुर्गियों को खोलते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू करते हैं। चलो जी, मुर्गियाँ तो अंदर खुल गई थी। और जय ओजी हमारा, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ जल्दी से आओ। तो यार पहले तो मैं इनको दे देता हूँ डव को दाना, आज सुबह से इनको दाना नहीं दिया। वैसे तो है इनके केज के अंदर काफ़ी, लेकिन फिर भी यार ये लेके आऊँ जी मैं। ये ढक्कन है, मैंने मटके जो लिया ना मटका, उसको वो सुराख होने के लिए दे के आया हूँ। उसके अलावा एक और मैंने आज मटका ले लिया, फिर पाइप का भी एक पीस ले लिया मैंने, और आज थोड़ी सी मट्टी लाऊँगा या दूसरा मटका लगाएंगे। इधर ये एक मटका होगा, एक इधर होगा, फिर पाइप लगा के इनको रास्ता देंगे, इनको इधर शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि ये देखें ना केज बड़ा गंदा करते हैं, बुरा हाल हो जाता केज का, फिर इनको सर्दी लगती है, मुझे टेंशन होती है। रात को भी मैंने आधी रात को आके इनका नेस्टिंग मटेरियल चेंज किया, बोरी अंदर रख के दी कि यार चलो ये सर्दी से तो बचे ना, जितनी सर्दी पड़ रही है। तो हम थोड़ी देर के लिए खोल देंगे, हमारे साथ दोस्ती हो जाए उसकी अच्छे वाली, तो उसका भी खोलते हैं। पहले हम अपनी डब को दाना दे देते हैं, तो उसके लिए मैं दाना भी लेके आया हूँ। मैं दिखाती, ये देखें मिक्स दाना आ गया इनका फिर से, सॉरी ये पहले का पड़ा है मेरे पास, तो ये न्यू पैकेट खोलने लगा हूँ। इसमें से ना डव को ये उम्मीद है कि वो गिराएगी नहीं, ज़ाया नहीं होगा। नीचे से वो उठा के खाती नहीं है, तो जो उसके बर्तन में होता है वही खाती है। ये अब उसकी नस्बत ज़्यादा दाना है, इसमें उम्मीद है ये दो तीन दिन खाएंगी सुकून से, गिराएंगी भी नहीं। ये ज़ाया ना बहुत करती हैं, ये देखे ना केज के अंदर कैसे दाना पड़ा है, बहुत ज़्यादा दाना। आप लोगों के लिए न्यू बर्तन आ गया, आप लोग जो दाना ज़ाया करती हो ना उसके लिए मैंने आप इलाज आपका ढूंढ लिया कि इसमें दूंगा, इसमें गिरा नहीं सकोगी आप। तुम्हारा किस पास से शोर है? ये बाहर आ गई कुछ से पता नहीं क्यों। लो जी इधर देखें जी, मैं जिनके लिए लेके आता हूँ खा कोई हो जाते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ, बजीज का सारा दाना इनने गिरा दिया था मुर्गी ने। ओ ये क्या कर दिया तुमने, ओहो लो जी इसको तोड़ दिया इस मुर्गी ने। तुमसे सब्र नहीं होता, तुम्हें दाना मिलता नहीं है। ये देखें जिसको ज़ाया कर दिया इसने मुर्गी ने, दाना भी सारा नीचे गिर गया। कसम से तूफान है, मेरी मुर्गियाँ तो ना नुकसान कर ही रखती है, कोई ना कोई कोई ना कोई चीज़ को तोड़ देती हैं, खा जाती हैं, कोई सब्ज़ी लगाऊँ वो भी ज़ाया हो जाती है। अभी मैं लेके आया हूँ, अभी मैं कह चलो फर्स्ट टाइम उनको दाना देते हैं, इसमें वो उधर ज़ाया नहीं करेंगे, तो उसने तोड़ दिया। चले कोई बात नहीं, अब दोबारा लेके आते हैं। खा लो तुम लोग खा लो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें तो मैं एक बार पूछूंगा, तुमने बहुत नुकसान किए मेरे। मैंने
चलो खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हारा क्या करूँ बताओ, कैसे दूँ तुम्हें दाना, उसी में दूँ फिर दोबारा से? कोई बात नहीं चलो। चलो कोई बात नहीं यार, अब मुर्गी ने नुकसान कर दिया, मुर्गी को कुछ कह तो नहीं ना सकते यार, अब उसको कौन सा समझ आनी है। ऐसे उड़ के आई है मुर्गी, जैसे पता नहीं क्या मिलने लगा, क्या होने लगा इधर। चलो अभी तुमसे क्यों नहीं बाहर आया तेरा, चलो कोई बात नहीं, एक रात और गिरा ले मेरी डव दाना, कोई बात नहीं, कल नहीं ले आएंगे बर्तन हम इसका। तुम भी इधर आ गए हो सर, इधर ये भी बाहर आना चाह रहा है, आना चाह रही है, सॉरी। मुझे यार मेल फीमेल में ना थोड़ा सा कहने में हो जाता है फ़र्क, फीमेल को मेल कह देता हूँ और मेल को फीमेल कह देता हूँ। हमारी जो ज़ेब्रा फिंच है ना आज मेल, वो बहुत सेहतमंद लग रही है। चलो जी लॉक इनका बंद करते हैं, खाओ इसी में ही आज भी दाना, इसी में खाओ। तो बज्जीज हमारे यार आज बाहर ही हैं बैठे, इसको मैं साइड पर कर देता हूँ उठा के, ये कहीं किसी के लग ना जाए। आते ही एक तो कपाड़ा कर दिया मेरे मुर्गी ने, चलो खैर कोई बात नहीं और आ जाएगा। घर के लिए खोल लेते हैं कि जो है हमारा जो है ना बाहर खेल है, थोड़ी सी धूप भी निकली है, धूप की वजह से ये देखे आगे आगे दोनों। ये देखें जी दरवाज़ा खुला और जो है हमारा बाहर आना चाह रहा है, नहीं पीछे चला गया, मानो का भी डर रहता ना, मानो देखे कैसे आई आगे। तुम चलो पीछे, तुम चलो पीछे, तुमने नहीं आना। जो यार आ जाओ, मानो का बस नहीं चल रहा, मानो एक मिनट में उड़ के आ जाओ भाई। यार मेरा ख्याल है ना एक बार हमें मानो के पर काट देने चाहिए, क्योंकि ये जो रोज तंगी होती है ना, डर होता है कि ये उड़ के बाहर ना आ जाए, मानो वो खत्म हो जाएगी। चलो जी बस इतनी सी बात थी, वो कपड़े से डर जाता मानो, और जय भी डर के फौरन से एक मिनट में बाहर आ गया। हाँ जी जय कैसे हो, आपको खिलाते हैं आज फिर यहाँ से दाना, ये लो देख रहा जी देख रहा, ये लो ये लो ये लो जय जय, ये लो मियाँ मिट्टू, असल में इधर छुपने की जगह नहीं है ना, तभी ऐसे कर रहा, इसको नज़र नहीं आ रहा अभी। ये लो ये लो ये लो, इधर से आओ इधर से, आ गया नजर आ गया, आ जाओ चलो चलो चलो। यार मुझे लग रहा है एक दो बार इससे ना मुझे कटवाना पड़ेगा खुद को, फिर ये हमारे साथ दोस्ती करेगा। ये लो, ओ मुझे डरा दिया, क्या बात है, तुम क्यों आ रहे हो उसके पीछे, ये देख ये समझ रहा, मुझे भी कुछ मिलेगा खाने को, तुम्हें नहीं ना निकाल सकता, तुम उड़ जाते, वो रैबिट सर डर रहा है। ये लो जो ये लो जो है ना छुपने की जगह ढूंढता है बार बार, ये लो आ जाओ, नहीं ना तुम्हें नहीं निकालना, चुप करो, जब तक ये काटेगा नहीं मुझे, मेरा डर भी ख़त्म नहीं होगा और इसका डर भी ख़त्म नहीं होगा। तो मुझे बड़ा डर लगता है इसकी चूँच जो है ना इतनी मोटी है ना, इतनी अच्छी बड़ी मोटी है, तो डर लगता है एक बार इसने अगर काटा ना तो इसने तो मेरे ना जख्म ही कर देना, मेरी बोटी उड़ा लेनी है, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा डर लगता है, उससे भी मुझसे लगता है कि ये मुझे पकड़ना है। तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या मसला है, इसने आज अपने सर के बाल कैसे ऐसे किए हुए ना खड़े, लग रहा किसी गुस्से में है, किस गुस्से में तुम,
अच्छा अच्छा ओके 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 ये लो ये लो ये देख पड़ गई ओजी के पीछे ओए तुम खा गए फिर एलोवेरा ओहो ये देखे साफ कर गया सारी तुम्हें तुम्हें ये मारूंगा मुर्गी के पीछे पीछे क्या चाहिए मुर्गी से तुम्हें इसके ना एक बार मैं पर कटवा दूंगा इसको फिर ये देखिए सीटियां मार रहा है इस गुस्से में क्या चाहिए कह रहा मुझे निकालो बाहर तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पर काट के ना फिर निकालूंगा बाहर ऐसे नहीं निकालना तुम्हें तुम हमें धोखा दे जाते हो बार बार तुम हमें धोखा दे जाते तो यार मिलते हैं कल आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये था आज का हमारा व्लॉग मिलते हैं कल आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कल तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़